दोस्तों, कहा जाता है कि फेलियर हर इंसान की जिंदगी का एक निश्चित हिस्सा होता है और उसका सामना हर इंसान को अपने अपने तरीके से करना पड़ता है। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में आए फेलियर का सामना किस तरह से करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे ही शख्स की बात करने वाले हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट की सेवा की और जब वहाँ उनका समय खत्म हो गया तो उन्होंने हार मानने की बजाय एक नया रास्ता अख्तियार किया और आज उनका वही फैसला उस शख्स को हजारों लोगों की प्रेरणा बनाता है। आज इसे शुरू हो रही है नारा टीवी की नई श्रृंखला क्रिकेटर्स फ्रॉम लास्ट सेंचुरी और श्रृंखला की पहली कड़ी में हम जानेंगे एक आम इंसान से बेहतरीन क्रिकेटर और फिर साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार बनने वाले सदगोपन रमेश की कहानी। सदगोपन रमेश का जन्म 13 अक्टूबर 1975 को मद्रास में पीसी सदगोपन के घर हुआ था। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे हर लड़के की तरह रमेश को भी पढ़ाई लिखाई से कहीं अधिक खेलों में रुचि थी और यही वजह थी कि सदगोपन रमेश ने 10 साल की उम्र से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। सदगोपन रमेश को आज भले ही क्रिकेट प्रशंसक एक सलामी बल्लेबाज के तौर पर याद करते हैं, लेकिन इस सफर की शुरुआत एक तेज गेंदबाज बनने के सपने से हुई थी। सदगोपन रमेश 10 साल की उम्र में बाकी बच्चों से अलग बल्लेबाजी से कहीं अधिक गेंद से प्यार करते थे और टेनिस बॉल से अपनी पेस बढ़ाने की कोशिश किया करते थे। सदगोपन रमेश ने अंडर 13 के सिलेक्शन के लिए खेले जाने वाले मैचों में एक तेज गेंदबाज के तौर पर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बावजूद इसके इनका सिलेक्शन तमिलनाडु की अंडर 13 टीम में नहीं हुआ। इससे परेशान होकर रमेश ने तेज गेंदबाजी को छोड़ दिया और खुद को एक स्पिन गेंदबाज के तौर पर तैयार करना शुरू किया। तेज गेंदबाजी को छोड़ने के पीछे का कारण पूछने पर रमेश ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि तेज गेंदबाजी से होने वाली थकावट और अच्छे प्रदर्शन के बावजूद मिलने वाली निराशा के चलते उन्होंने यह फैसला लिया था। सदगोपन रमेश ने एक ऑफ स्पिन गेंदबाज के तौर पर अंडर 16 के लिए ट्रायल मैच खेले और इस बार रमेश का सिलेक्शन अंडर 16 टीम में हो गया। सदगोपन रमेश ने अपना क्रिकेट करियर लोअर ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर शुरू किया था, लेकिन जल्द ही बल्लेबाजी में इनकी काबिलियत को देखते हुए इन्हें मिडिल ऑर्डर का एक रेगुलर बल्लेबाज बना दिया गया। यहां से रमेश अंडर 16 और क्लब मैचों में अपनी गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके चलते जब एक क्लब मैच के दौरान इनकी टीम का एक सलामी बल्लेबाज चोट के कारण मैदान पर नहीं उतर पाया तो टीम मैनेजमेंट ने रमेश को पहली बार टीम के लिए ओपनिंग करने के लिए भेजा। इस तरह एक तेज गेंदबाज के तौर पर शुरू हुआ सफर कई टेढ़े-मेढ़े रास्तों से होकर उस मंजिल तक पहुंच गया जहां से भारतीय टीम में शामिल होने का रास्ता रमेश के लिए आसान होने वाला था। सदगोपन रमेश ने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर की शुरुआत साल 1995 में हैदराबाद के खिलाफ खेलते हुए की और पहली पारी में 59 और दूसरी पारी में 132 रनों की शानदार पारी खेलकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। सदगोपन रमेश ने यहां से अपनी बल्लेबाजी को निखारना शुरू कर दिया था, जिसकी चमक साल 1998-99 के रणजी ट्रॉफी सीजन में देखने को मिली थी। इस सीजन में सदगोपन रमेश ने 52 की औसत से रन बनाए थे, जिनमें केरला की टीम के खिलाफ खेली गई 158 रनों की पारी भी शामिल है। इस मैच में रमेश ने अपने साथी सलामी बल्लेबाज कृष्णराज श्रीनाथ के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 329 रनों की साझेदारी की थी। नवजोत सिंह सिद्धू के अचानक संन्यास लेने के बाद जब भारतीय टीम में एक अच्छे ओपनिंग बल्लेबाज की जरूरत महसूस हुई तो सदगोपन रमेश के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए इन्हें भारतीय चयन समिति द्वारा चुन लिया गया और इस तरह सदगोपन रमेश का एक लंबा इंतजार खत्म हो गया। सदगोपन रमेश को अपना पहला टेस्ट पाकिस्तान जैसी चिर प्रतिद्वंदी टीम के खिलाफ अपने होम ग्राउंड चेपॉक में खेलने का मौका मिला था। रमेश के सामने इस मैच में अपने होम ग्राउंड पर वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर और शकलेन मुश्ताक जैसे दिग्गज गेंदबाजों का सामना करते हुए करोड़ों उम्मीदों का बोझ साथ लेकर खेलने का प्रेशर था, जो किसी भी नए खिलाड़ी को तोड़ने के लिए काफी है, लेकिन रमेश ने इस प्रेशर को एक मौके की तरह लिया और दिन के आखिरी 7 ओवरों में जब रमेश को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो उन्होंने 22 गेंदों में 30 रनों की नाबाद और सधी हुई पारी खेली। पारी भले ही छोटी थी लेकिन उस समय भारतीय टीम को मैच में बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी थी और इसलिए जब रमेश दिन का खेल खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम में आए तो वहां भारतीय टीम के कप्तान अजहरुद्दीन ने उन्हें गले लगाया और एक जोड़ी जूते भेंट करते हुए कहा कि उन्होंने
आज तक किसी भी यंगस्टर को वकार और वसीम के सामने इस तरह खेलते हुए नहीं देखा। इस सीरीज का अगला मैच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर खेला जाने वाला था। जिस मैच को अनिल कुंबले के उस करिश्माई स्पेल की बदौलत याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी टीम के 10 विकेट अपने नाम किए थे, लेकिन सदगोपन रमेश ने यहां भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस मैच की पहली पारी में 67 और दूसरी पारी में रमेश के बल्ले से निकले 96 रनों की पारी की बदौलत भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम को इस मैच में सिर उठाने का मौका भी नहीं दिया। इस मैच में जब एक मौके पर अनिल कुंबले 9 विकेट चटका चुके थे तो वकार यूनिस बल्लेबाजी कर रहे थे और गेंद श्रीनाथ के हाथों में थी। तब सदगोपन रमेश के जानबूझकर छोड़े गए कैच की बदौलत ही अनिल कुंबले अपने 10 विकेट पूरे कर पाए थे। तो इस तरह सदगोपन रमेश ने भारत को यह मैच जिताने के साथ साथ कुंबले के उस रिकॉर्ड को बनाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाई थी। रमेश ने अपना वनडे करियर का आगाज भी साल 1999 में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए किया था। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम ने अपने लगातार 8 मैचों की हार का सिलसिला तोड़ने के लिए शारजहां में खेले जाने वाले मैच में रमेश को टीम में शामिल किया, जहां उन्होंने अपने बल्ले से शानदार 82 रन बनाए थे। इस मैच में इनकी राहुल द्रविड़ के साथ इनकी 166 रनों की साझेदारी ने भारत को एक शर्मनाक सिलसिले से निजात दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। साल 1999 के वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर के वापस आ जाने पर जिम्बाब्वे के खिलाफ सदगोपन रमेश को अपना पहला वर्ल्ड कप मैच खेलने का मौका मिला। रमेश ने यहां भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और शानदार 52 रनों की पारी खेली। कोका कोला कप के दौरान सौरभ गांगुली पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे थे और भारत पहला मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ खेल रहा था। इसी मैच के दौरान सौरभ गांगुली ने अचानक रमेश को गेंदबाजी के लिए बुलाया। रमेश ने अपने वनडे करियर की पहली ही गेंद पर निक्सन मैकलेन को मोहंती के हाथों कैच आउट कराकर एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। रमेश भारतीय क्रिकेट इतिहास के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए थे जिसने अपने वनडे करियर की पहली गेंद पर विकेट लिया था। कई सालों बाद भुवनेश्वर कुमार ने पाकिस्तान के विरुद्ध इस रिकॉर्ड की बराबरी की थी। यह मैच ऐसे ही एक और इंसिडेंट के लिए याद किया जाता है, जिसमें वेस्टइंडीज के गेंदबाज वोगल हिंग्स ने अपने वनडे करियर की पहली गेंद पर एमएसके प्रसाद को आउट कर दिया था। साल 1999 रमेश के करियर का एक यादगार साल रहा और उन्हें शानदार प्रदर्शन की बदौलत उस साल का इंडियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया, लेकिन इसके बाद इस खिलाड़ी को कभी भी उतने मौके नहीं मिले जिसमें यह भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर सके। अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भी सदगोपन रमेश को 2 सितंबर 2001 के बाद कभी भी भारतीय टीम में जगह नहीं मिली। और बात करें इनके वनडे करियर की, तो सदगोपन रमेश का वनडे करियर चंद महीनों में ही खत्म हो गया था। मार्च 1999 में अपना पहला वनडे मैच खेलने वाले सदगोपन रमेश को अक्टूबर 1999 में आखिरी बार भारतीय टीम की रंगीन जर्सी में देखा गया था। रमेश ने अपने करियर में कुल 19 टेस्ट और 24 वनडे मैच खेले थे, जिनमें इनके रनों का आंकड़ा क्रमशः 1367 और 646 है। 30 और 50 के स्कोर को शतक तक न पहुंचा पाना ही रमेश के क्रिकेट करियर की नाकामी का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद सदगोपन रमेश ने एक कमेंटेटर के तौर पर खुद को क्रिकेट से जोड़े रखा और फिर साल 2008 में साउथ फिल्म संतोष सुब्रमण्यम से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। और आज सदगोपन रमेश साउथ इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना चेहरा होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हैं। छोटे से करियर और कई निराशाओं के बाद इस तरह की जिंदगी के उदाहरण भारतीय क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलते हैं और यही बात रमेश को बाकी सभी लोगों से अलग बनाती है। बात करें इनकी निजी जिंदगी की, तो साल 2002 में रमेश की शादी अपर्णा से हुई थी, जिनसे इन्हें एक बेटी भी है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।